जय श्री राम। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आदि पुरुष जो मूवी आई है उसी पर। मित्रों, धर्म और आस्था कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, और आदि पुरुष को एक शब्द में हम कहें अगर तो ये एक वीडियो गेम है। जैसा बच्चे खेलते हैं फ्री फायर वगैरह, ठीक वैसे ही है। या फिर लगता है कि कोई हॉलीवुड की काल्पनिक मूवी देख रहे हों, ठीक वैसे बनी हुई है। ये धर्म जो है, आस्था जो है, वो खिलवाड़ का, मनोरंजन का विषय क्यों नहीं है, हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। ये फिल्म जो है देख करके यही समझ में आ रहा है कि आगे की पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदायक है और क्यों नुकसानदायक है, और क्या आज का हमारा जैसा परिवेश हो गया है वैसी ही ये मूवी नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपने अगर देखी है फिल्म या फिर इसका ट्रेलर देखा है या लोगों से सुना है तो ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है ये मूवी जो बनी है वो सही है या गलत है। बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले तो ये मूवी को कहूँ तो मेरी नज़र में ये एक वीडियो गेम है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप समझिए। जब भी हम रामायण या फिर भगवान राम को देखते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनके आदर्शों को सीखते हैं। भगवान राम का जब आप रामायण पढ़ते हैं तो वर्णन ऐसा मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो कैसे हैं। तो जिनको आप कल्पना तक नहीं कर सकते, उस समय के कवि जब कह रहे हैं, जिन्होंने लिखा वो कह रहे हैं कि अकल्पनीय हैं, निराकार रूप हैं, भगवान हैं, उनकी कल्पना ऐसा करना, मतलब आज के हमने क्या किया, ये जो वीडियो गेम बना है आदि पुरुष, इसको वीडियो गेम कह के ही संबोधित करेंगे। ये रामायण कहीं से भी, हमारी रामायण यानी कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारा जो इतिहास है कहिए, या फिर हमारी जो पवित्र ग्रंथ है, वो तो कहीं से नहीं है, उससे आधारित भी ये कहीं से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो गेम की तरह है। जैसा कि आज काल्पनिक वीडियो गेम होता है उसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं, जैसे आज बहुत पैसा कमाना, बहुत बड़ा भव्य दिखाना, वैसे ही भव्य दिखाया गया है। इसके अलावा क्या किया गया है, बहुत पैसे खर्च किए गए हैं, मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तो वैसे ताकतवर दिखाया गया है। लेकिन चरित्रों के साथ खिलवाड़ करना, भगवान राम के साथ साथ हनुमान जी की बिना मूंछ वाली तस्वीर बना देना या उनका कैरेक्टर बना देना, ये रियलिटी में और कल्पना में फ़र्क ही नहीं समझते हैं। जब आप बनाने जा रहे हैं रामायण जैसी चीज़ जिससे लोगों की धार्मिकता और आस्था जुड़ी हुई है, जिससे हम वर्षों से सीखते आए हैं, हमारे पूर्वज सीखते आए हैं, हम सीखते हैं रामायण से बहुत सी चीज़ें कि एक आदर्श पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका हनन ही कर डाला आपने। आपने जो बनाया है यानी कि डायरेक्टर ने जो बनाया है, ये वीडियो गेम जो बनाया है, आप सभी लिखिए, भी हर जगह लिखिए #, आदि पुरुष अ वीडियो गेम। ये एक वीडियो गेम है, आप इसको ऐसे ही समझिए, बच्चों को भी ऐसे ही बताइए, नहीं तो नुकसान क्या होने वाला है। आज के बच्चे जो जन्मे हुए हैं, अगर उनको नहीं पता है, रामायण नहीं पढ़ा है, या फिर चलिए मान लेते हैं रामानंद सागर जी वाला भी रामायण नहीं देखा है, तो वो आज ये देखेगा तो क्या समझेगा कि भगवान राम ऐसे ही होते होंगे, हनुमान जी ऐसे ही बिना मूंछ वाले होंगे, और ऊपर से बोलते होंगे ऐसे, तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप का तेल, जलेगी भी तेरे बाप की। ये सही नहीं है, ये हमारे बच्चों तक जाए तो सही नहीं है, ये हमारे वेदों की लैंग्वेज, क्या हमारे से पहले वाली पीढ़ी तक का लैंग्वेज नहीं था। लेकिन आज हम जिस भाषा में बोलते हैं, और कहीं ना कहीं देख करके मूवी को ये भी समझ में आता है कि ये हमारे समाज का आईना नहीं है। हमारे आसपास भगवान को लेकर के इतने मीम्स बन रहे होते हैं, इतने जोक्स क्रैक हो रहे होते हैं, आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण की ऐसी ऐसी फ़ोटो को लेते हैं और उसके नीचे कोई भी एक घटिया सा कोट्स लिख करके भगवान कृष्ण को लगा देंगे कि ये गीता से है जी। अब चूंकि पढ़ा नहीं है लोगों ने तो उनको पता भी नहीं है, भगवान कृष्ण का इमेज ऐसा बना रखा है हमने, यानी कि हमारे लोगों ने, आज के जनरेशन के लोगों ने, जैसे वो एक प्ले बॉय हों, जो कि सही नहीं है। सही से पढ़ना और सीखना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आपके मन में आदर का भाव नहीं होगा, जब तक आप श्रद्धेय नहीं होंगे, आपको वो ज्ञान मिलेगा कहाँ से। हर चीज़ को मनोरंजन बना डाला है ज्ञान के नाम पे, क्या किया है, हर चीज़ को मनोरंजन बना डाला है, मनोरंजक तरीके से। तो ये फिल्म जो बनी है वो
किसी भी प्रकार से रामायण को केंद्र में रख के नहीं बनी है, भगवान राम के आदर्शों को केंद्र में रख करके नहीं बनी है। भगवान राम को जानना तो बहुत दूर बात है, भगवान राम को दर्शाए या रामायण को दर्शाए ये तो बहुत दूर की बात है, भगवान राम ने क्या क्या सिखाया, कैसे जीवन जिया ये तो बहुत दूर की बात है। इस मूवी से बस इतना समझ में आता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, वीडियो गेम बना करके नया कैसे बेचा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें उलझ जाएं। वैसे ही डायलॉग्स लिखे गए हैं टपोरी टाइप, आजकल के जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं। और कहा मैंने कि जैसा कि आप देखते हैं रोज़ रोज़ और विरोध नहीं करते हैं, उसी का देन है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो भगवान का मुखौटा पहन करके और नाचने लग जाते हैं, और हम सभी उस पर खुशी से पैसे चढ़ा रहे होते हैं। एक बार सोच के देखिए, नाचना है आप अपने रूप में नाचिए ना, भगवान के लिए उनकी प्रतिमा लगी हुई है वहाँ श्रद्धेय होइए नाचिए। लेकिन आप वैसे भी अगर भीख मांग के भी खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन भगवान का रूप लेकर के आए तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्चाई से दूर हैं, वो डर करके वैसे देंगे या जैसे देंगे उनको देंगे, जबकि ये भी सही नहीं है। किस लिहाज से सही नहीं है? उनके प्रति करुणा है कि उनके पास खाना नहीं है तो खाना होना चाहिए, दया होना चाहिए, पर साथ में उनको बताना चाहिए कि ये हमारे श्रद्धेय भगवान हैं, इनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। भगवान के कपड़े पहन करके आप देखेंगे तो लोग नाच रहे हैं, भगवान का रूप मान रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, आपने ढंग से नहाया धोया नहीं, आपने कहीं भी एक मंचन होता है रामायण के माध्यम से, वो दिखाया जाता था कि रामलीला हो रही है, वो बात अलग है, उस पर उस समय पर समझते हैं लोग। लेकिन मांगने के धंधे के लिए भी भगवान का रूप बना देना, या फिर आप देखते हैं आपके आसपास होता है जैसा कि भगवान कृष्ण का कहा मैंने कि लोग फोटो लगा देते हैं नीचे, अपनी बात लिख देंगे, अपने मन की बात, और उस पर भगवान कृष्ण की फ़ोटो क्यों लगाएंगे कि भगवान ने कहा है, बिलीव करो। नहीं, भगवान को जानना है तो गीता पढ़िए, वो पुस्तकें पढ़िए जो ऑथेंटिक हैं, जिससे सही जानकारी मिले समाज को। अब आज का बच्चा इस मूवी को देखेगा उसको लगेगा कि ऐसी ही लंका होगी, जो कि किसी एंगल से रावण जो है वो दिख रहा है सब जैसे वेस्ट करता है, पश्चिम करता है, कि काला को बहुत बुरा मानता है, तो सारे जो कि सोने की लंका थी लंका तक को काला बना डाला इस मूवी में, पूरा काला काला उधर के लोगों को दिखा दिया, यानी कि रावण की जितनी सेना है सब काला काला दिखा दिया पहना हुआ, यहाँ तक कि आकाश को भी काला दिखा दिया, कितनी हास्यास्पद बात है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, ये कहीं से भी जो मूवी है आदि पुरुष वो वीडियो गेम है बस, ये कहीं से भी हमारे रामायण को तो नहीं दर्शाता है, इसको रामायण कहीं नहीं सकते, ये छवि को खराब करने वाली बात है, सत्यता से दूर ले जाने वाली बात है। इसको बच्चे देखें या दूसरे जगह के लोग देखें हमारे देश से बाहर, तो वो क्या समझेंगे कि भगवान राम ऐसे थे? तो इसका अब निदान क्या है? तो इसको आप हम मिल करके हैशटैग अ वीडियो गेम आदि पुरुष जरूर इसको ट्रेंड करें, ताकि सबको पता रहे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, बच्चों को भी बताएं कि नहीं भगवान राम ऐसे नहीं हैं, सही चीज़ों को जानना जरूरी है। तो पढ़िए जानिए, बल्कि इससे लाख गुना करोड़ गुना अच्छा है जब कुमार विश्वास जी, कवि कुमार विश्वास जी भगवान राम की कथा बोलते हैं, आप सुनिए तो आपको एक भाव मिलेगा। भगवान राम को जब आप देखते हैं सुनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं तो आपके मन में भाव जगता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं कि जीवन में कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। इन्होंने तो क्या किया, आज हम जैसे जी रहे हैं भगवान को हमारे जैसा बनाने का कोशिश कर दिया, यानी कि आज के जैसे इंसान हैं जैसी भाषा है ऐसा बनवा डाला भगवान को, उनको वही भाषा बुलवा रहे हैं टपोरी वाली, उनका लुक भी वैसा ही बना दिया, मस्कुलर बना दिया, बॉडी फिट रखना चाहते हैं जैसे देखना चाहते हैं। आज वेस्ट की क्या है खूबी, आप फिलोसफी में जाइएगा तो वेस्ट ताकत को बहुत महत्व देता रहा है, और भारतीय दर्शन जो है वो हमेशा से ज्ञान को महत्व देता है, लेकिन इस मूवी को देखिएगा तो पूर्णतः इन्फ्लुएंस्ड दिखती है। जो डायरेक्टर है उनको भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो पूर्णतः वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि हमारी यूथ भी हमारे लोग भी उसी से इन्फ्लुएंस्ड है, उसी टाइप की मूवी देखते हैं, द लॉर्ड ऑफ रिंग ऐसे ही बहुत सारी मूवियाँ हैं, स्पाइडरमैन और बहुत सारे फिल्मों के इन लोगों ने कैरेक्टर्स को क्या किया है, विदेशी फिल्मों के कैरेक्टर्स को चुरा करके और उसी के इर्द गिर्द जो है रामायण के कैरेक्टर को कनेक्ट कर दिया है। लेकिन
आस्था जो है मनोरंजन का विषय नहीं है, पहले ही कहा हमने। वो इसीलिए कहा क्योंकि जब आप सच्चाई को जानने के लिए उसको भी कॉमेडी बना देंगे, मनोरंजन बना देंगे, तो आप जानेंगे कैसे स्थिति को कि सही स्थिति क्या थी। ये ठीक ऐसा ही है, रामायण बनाने वाले के लिए कहेंगे कि ठीक उस अज्ञानी टाइप के ये आदमी हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक न्यूक्लियर बम है और एक दिवाली पर छोड़ा जाने वाला पटाखा है, इसमें अंतर ही उनको नहीं पता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि दिवाली का पटाखा आप कहीं भी छोड़ लेते हैं, आसपास थोड़ा सा देखते हैं कि लोग ना हो, छोड़ लेते हैं। अब उस आदमी ने क्या किया, न्यूक्लियर बम को ला करके एक रिहायशी इलाके में छोड़ दिया, जो कि गलत है, उससे बहुत नुकसान होगा ह्यूमैनिटी का। ठीक ऐसा ही इस टाइप के जो ये वीडियो गेम्स बनेंगे, मूवी बनेंगे धर्म पर, जिसका हम सभी विरोध नहीं करेंगे, तो ये यही हाल होगा कि हम सभी का विनाश होगा, हमारी संस्कृति का, हम सत्यता से दूर जाएंगे, हमें जानकारी ही नहीं होगी, कोई अगला और फोड़ देगा, वो समझेगा दिवाली का पटाखा ही है। तो इसे समझना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों के लिए, हमारे पूज्य आराध्य जो देव हैं उनके लिए। भगवान श्री राम का तो क्या ही जाएगा, लेकिन हमारा जरूर जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का जरूर जाएगा, क्योंकि उनके तक सही रूप नहीं पहुंचेगा, सही जानकारी नहीं पहुंचेगी। इससे लाख टाइम बढ़िया आप कंपेयर करके कहें तो बताइए कि क्या रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो इससे अच्छी है ना। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। हालांकि वो भी पूर्णतः सत्य नहीं है, ये जान लीजिए, रामायण ही कहती है कि राम जो हैं ब्रह्म स्वरूप हैं, उनका कोई आकार है ही नहीं, कोई कल्पना कर ही नहीं सकता उनके बारे में, वो निर्गुण हैं, निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, वो भगवान के रूप हैं। तो भगवान ने अवतार लिया है, उनका तो कोई आकार है ही नहीं, माना इसलिए जाता है कि पूजा करने के लिए छोटे साधक के लिए आसान हो जाता है, और इसलिए माना जाता है एक मूर्ति रूप। तो वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके चरित्र के साथ, उनको न समझते हुए कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं, आप एक कुछ भी मनगढ़ंत, जैसा कि मनोरंजन के लिए बनाते हैं आप वीडियो गेम, तो एक कैरेक्टर्स बनाते हैं, वैसे आप एक कैरेक्टर बना दें उनको, ये बहुत गलत है, इससे बहुत गलत छवि जाती है। और बहुत सारे जो बच्चे नए यंग जनरेशन होंगे, जिन्होंने पुरानी चीज़ें पढ़ी नहीं हैं, देखी नहीं हैं, समझी नहीं हैं, और ना उनको बताने वाले हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वो इसको सच्चाई मान लेंगे कि भगवान राम की भी या फिर हनुमान जी की ऐसी टपोरी वाली भाषा थी। तो ये क्या है, हमने थोपा है बेसिकली, हम जैसे हैं, आज का परिवेश जैसा है। और जो निर्माता हैं उन्होंने एक चीज़ का बड़ा खासा ध्यान रखा है कि बिजनेस कैसा करेगा। देख रहे होंगे चिप टाइप का डायलॉग, जैसे कि मैंने बोला कि तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप का तेल और जलेगी भी तेरी। अब ऐसे डायलॉग पर कितना ज़्यादा तालियां बज रही थी, क्योंकि हम सभी एग्रेसिव और जीतने वाला सिर्फ दिखाते हैं, जबकि भगवान राम तो विनम्र हैं, वो समुद्र को भी पहले हाथ जोड़ते हैं, विनय करते रहते हैं, वो नहीं मानता है तब तीर धनुष तानते हैं। रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उसके पास मैत्री के लिए भेजते हैं, पहले हनुमान जी को भेजते हैं, इसके बाद भेजते हैं जामवंत को, उसके बाद भी कि जाओ और समझाओ कि भाई हमारे ये पत्नी को लौटा दें और बात को ख़त्म करें। लेकिन वो अलग बात है कि रावण नहीं मानते हैं, तो लड़ाई होती है, युद्ध होता है वहाँ पर, ज़रूरी हो जाता है। तो इन बातों को न समझते हुए सीधा उनको एग्रेसिव बना देना, बॉडी मस्कुलर दिखा देना, ये सही नहीं है। राम के मर्म को समझना जरूरी है, उस भाव को छूना जरूरी है, और भाव से तो बहुत दूर है, भाव से तो बहुत दूर है ये वीडियो गेम जो है। जैसे वीडियो गेम खेलते हुए किसी का भी मर्डर हो जाए तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, रियल में तो थोड़ा सामने मर्डर हो तो आपको दिखता भी है कि हाँ ये आपके हार्ट को उद्वेलित करता है, दिल को दहलाता है। लेकिन वीडियो गेम में किसी को मार रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक वैसे ही ये जो आदि पुरुष जो है वीडियो गेम है वो बना है। आपको क्या लगता है कि इसको देखने के बाद क्या नज़र आया, और आप क्या करने वाले हैं इसके लिए, अपने जो यंग जनरेशन है उसको सही जानकारी देने के लिए, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि सही जानकारी पहुंचे। और ये इसको कहना शुरू कीजिए, आदि पुरुष अ वीडियो गेम, ये मात्र वीडियो गेम है, कहीं से भी रामायण नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन और बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करेगी, इस बात को फोकस करके बनाई गई एक मूवी है, ना कि कहीं से भी हमारे आराध्य
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को दर्शाता हुआ रामायण। इसको रामायण हम सभी समझने की भूल भी ना करें, ये हम सभी तक मैसेज पहुँचाएं ये ज़रूरी है। और इसका विरोध भी अगर पॉसिबल है आपसे जिस रूप में तो ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत दुनिया के लोग देखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये केवल भारत में चलेगा। और इसी प्रोपोगेंडा के थ्रू बनाई भी जाती हैं ये मूवियाँ बहुत जगह, क्योंकि उनको दिखाना है कि भारत के देवता भी ऐसे थे। ये हीन भावना के साथ बनाई गई मूवी है। भगवान राम की छवि जो है, आराध्य हमारे राम जो हैं, वो बहुत ही निर्मल कोमल सदैव मुस्कुराते हुए वैसे हैं। ये हनुमान जी को ऐसे दिखाना और रावण को ऐसे दिखाना ये सही नहीं है, यह गलत है। सत्य को सत्य की तरह ही प्रेजेंट किया जाए तो बेहतर होगा। और इसके लिए हमें ही आगे आने होगा, हमें ही विरोध करना होगा कि आप कोई काल्पनिक मूवी बना रहे हो, काल्पनिक मूवी बना लो, कुछ भी बना लो, उसको रामायण का, पवित्र ग्रंथों का, भगवान राम का, हमारे आराध्य देवों का नाम न दो। वो उसका सहारा लेकर के अपना बिजनेस न करो, अपना बिजनेस करते रहो लेकिन इन चीज़ों को छोड़ करके। आपका विचार क्या है ज़रूर कमेंट करके बताइए, हमें आपके विचार जानने में भी बहुत खुशी होगी। और वीडियो को लाइक करना शेयर करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और वो इन बातों को जान सकें। प्रेम से बोलिए जय सियाराम। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल।